हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑटो कैड के डाउट सेशंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो कैड के ग्राफिकल इंटरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जब आप ऑटो कैड यूज करते हैं, उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसको सॉल्व नहीं कर पाने पे आपका टाइम प्रोलॉन्ग होता है और स्पीड में कमी आती है और कहीं ना कहीं इफिशियंसी को इफेक्ट होता है। तो पूरा वीडियो अंत तक आप सभी को देखना है और इसको फॉलो करना है ताकि अपना स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड का डाउट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, इफ कमांड प्रॉम्प्ट बार डिसअपीयर्स देन हाउ इट विल अपीयर्स। ये कमांड प्रॉम्प्ट बार क्या है, देखिए ध्यान से। जब भी आप जहां पे भी कमांड टाइप करते हैं उसको बोलते हैं कमांड लाइन विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट बार। ओके, तो वो क्या होता है कि अगर इन केस वो गायब हो गया तो वो वापस कैसे आएगा, आपको क्या करना है, आंसर क्या है, जस्ट प्रेस कंट्रोल के साथ 9 को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, इट विल मेक अपीयर्स और डिसअपीयर कमांड लाइन विंडो। इसका मतलब ये है अगर वो पहले से गायब हो चुका है और आपने प्रेस किया है कंट्रोल के साथ 9 तो वो वापस आ जाएगा, या अगर उसको गायब करना है तो कंट्रोल के साथ 9 फिर से प्रेस करना पड़ेगा। देखिए ये है कमांड बार। ओके, ये है कमांड बार, मैं प्रेस करने जा रहा हूं कंट्रोल के साथ 9। जैसे ही कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया, देखिए मैसेज आ रहा है डू यू वॉन्ट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। अगर यस कर दिया तो देखिए यहां से गायब हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, यहां पे आपको कमांड बार नहीं दिखेगा। अब ऑप्शन क्या बचा, अगर मेरे को तो भी यूज करना है तो देखिए यहाँ पे लाइन कमांड, पॉली लाइन, ये यहां से आप यूज कर पाएंगे। ओके, इन केस इफ यू वांट, अदरवाइज कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करके इसको वापस लेके आना है। ओके, ये छोटा सा मिस्टेक है, कहीं ना कहीं अगर हो जाता है और आपको ये शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता है तो आप ना बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं, और उसके बाद जाके बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको पता चलता है फाइनली कि इतना आसान था ये। तो इसको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट टू डू इफ कर्सर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट्स। ये कर्सर है, देखिए ये है कर्सर, कर्सर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट्स, इसका मतलब समझो, मूवमेंट मतलब ये अगर कर्सर इधर आ रहा है तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कर्सर, रिस्ट्रिक्ट्स एट सर्टन डिस्टेंस वाइल परफॉर्मिंग कमांड। अगर कोई भी कमांड यूज कर रहे हो उसमें आपका कर्सर क्या है, अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्सर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट प्रेस F9, आपको F9 प्रेस करना है, मतलब स्नैप यूज करना है, इट इज नॉट ओ स्नैप, इट इज स्नैप, स्नैप कमांड का यूज करना है और स्नैप को बंद करना है, तो क्या होगा, इट विल मेक कर्सर मूवमेंट फ्री। ओके, अब देखते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। अब सभी ध्यान से देखेंगे स्नैप को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। पहले तो जैसे मैं बता रहा था F9 प्रेस कर रहा हूं सिर्फ, देखें तो यहां पर लिख क्या रहा है स्नैप ऑन, और F9 फिर से प्रेस किया तो स्नैप ऑफ। ओके, अब ध्यान से देखिए कि इसका एक कमांड भी होता है SNAP, स्नैप, एंटर दबाया तो देखिए यहां पे भी है ऑन ऑफ, लेगेसी स्टाइल, ये सब दिख रहा हुआ है, तो यहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर हम इसकी सेटिंग करना है तो भी कर सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि स्नैप ऑन रहने से और ऑफ रहने से क्या डिफरेंस है। अभी स्नैप देखिए ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। देखिए लाइन कमांड लिया, पहला पॉइंट कहीं भी क्लिक किया, अभी देखो कर्सर क्या है, ये फ्री मूवमेंट है, इसको बोल रहा हूं मैं फ्री मूवमेंट, देखिए कहीं भी मूव कर रहा है बहुत आसानी से। लेकिन अगर मैंने F9 को दबा दिया, देखिए F9 स्नैप ऑन किया, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिए कि कर्सर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ग्रीड पे, देखिए ग्रीड पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यहीं पे क्लिक होगा वो और कहीं पे क्लिक नहीं हो सकता। ओके, इसके प्रॉफिट्स भी है लॉस भी है। प्रॉफिट ऐसा है कि आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है ना, कहीं पे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है, डायग्राम क्रिएट करना है, तो यू कैन डू दिस थिंग्स। ओके, अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रखेंगे, अंडरस्टूड। तो अगर इसकी सेटिंग करना है, इनकेस आपको डिस्टेंस बदलना है, मान लीजिए डिस्टेंस बदलना है, ओके, तो क्या करना चाहिए, ओ एस एंटर करना है, ओ एस इज अ ओ स्नैप, इसको ओ एस एंटर करेंगे हम, और उसके बाद यहीं पे आपको
लेफ्ट साइड में देखना है स्नैप एंड ग्रिड लिखा हुआ है, इसको जैसे ही प्रेस करूंगा यहां पे देखिए स्नैप ऑन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूं तो ऑफ हो जाएगा, ओके। और यहां इक्वल लिखा है एक्स और वाई स्पेसिंग, मतलब एक्स डायरेक्शन में 10 मूव करो, वाई में 10 मूव करो, इसको हम ये बोल रहे हैं। अगर मैं इसको अनचेक किया तो स्नैप एक्स स्पेसिंग, अगर मैं कर दिया इसको 20 और इसको रहन दिया 10, ओके, और ऑन कर दिया, अब ओके प्रेस कर दिया, तो अब क्या होगा ध्यान से देखिए सब लोग, लाइन कमांड लिया, पहला पॉइंट क्लिक किया, ये देखिए अब क्या हो रहा है, नीचे तो ये इतने में मूव कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में 20 में मूव कर रहा है, समझ पा रहे आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 में मूव कर रहा है, क्योंकि हमने डिस्टेंस बदल दिया, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 20 कर दिया इसलिए 20 में जा रहा है, और वाई में हमने 10 रखा इसलिए 10 ही हो रहा है, ओके। तो आपको ध्यान देना है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले आप इसकी सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग करने के लिए ओएस एंटर करेंगे और वहां पे सेटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑन ऑफ करने के लिए, सिर्फ ऑन या ऑफ करने के लिए आप F9 का यूज करेंगे, देखिए F9 दबा दिया ऑफ हो गया, अभी क्या हो गया प्रॉफिट क्या, इसे फ्री मूवमेंट, फिर से कहीं पे भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपने F9 प्रेस किया अब फिर से ये रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कर्सर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, गलती से F8 दबाते दबाते ना F9 दब जाता है, तो यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं पता है तो आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ओके। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसका ध्यान रखना है आप सभी को। नाउ तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ दिस, मतलब ये अगर ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, अपीयर्स ऑन मेन स्क्रीन विंडो, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, पहले तो ये बता दो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक इनपुट, डायनेमिक का मतलब है ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन डायनेमिक इनपुट, इनपुट का क्या मतलब है, वैल्यूज देना, तो जो भी हम वैल्यूज देंगे वो ऑन स्क्रीन अगर दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक इनपुट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये मैसेज कहाँ पे आता है, लाइन कमांड जैसे आप एंटर करते हो तो ये मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको देखो ये क्यों हेल्पफुल है, इट विल हेल्प यू टू रेगुलेट योर स्पीड, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका अगर फिंगर्स पूरा कीबोर्ड के साथ मैच करता है, मतलब फास्ट काम कर पाते हैं आप कीबोर्ड के साथ, आपको कीबोर्ड के साथ ही काम करना है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट आपको F12 प्रेस करना है, F12 आपने प्रेस किया तो वो अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा, मतलब ऑन ऑफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आया आपके सामने, देखिए ये कर्सर है उसके सामने ना रेड सिग्नल आ रहा है, कुछ रेड डॉट आ रहा है, रेड सिग्नल अगर ये आपके मेन स्क्रीन में अपीयर हो रहा है तो ये क्या है, पहले तो ये समझते हैं। ये देखिए इट विल हेल्प यू टू रिकॉर्ड द ऑटोकैड सिनेरियो, मतलब ये सिनेरियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, ये रिकॉर्डर एक प्रकार का, ठीक है। तो इसको ऑफ कैसे किया जाए, आइए देखते हैं इसको ऑन कैसे किया जाता है, रिकॉर्डिंग को राइट क्लिक करना है आपको, नीचे में एक्शन रिकॉर्डर है और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्ड किया अब आपके सामने दिखेगा ये रेड कलर का ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, और बच्चे भी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जरूर कि ये आ गया सर अब क्या करें, ये क्या चीजें समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्लियर करना जरूरी है, ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे आप इसको ऑफ करना है तो फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक, एक्शन रिकॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टॉप का बटन दबाया आपने, और जो रिकॉर्डिंग हुई है उसका नाम है एक्ट मैक्रो 003, उसको ओके दबाया, वो उसकी लाइब्रेरी में सेव हो गया ये चीज, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकेस कभी आपको जरूरत पड़ी तो हमारे पास दूसरे अच्छे अच्छे टूल्स हैं, तो आप उसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ दिस, ये जो कोऑर्डिनेट्स है यूसीएस बोलते हैं इसको हम, ये अगर डिसअपियर हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि गलती से डिसअपियर हो जाता है तो उसको कैसे लेके आए, तो यूज यूसीएस आइकन, यूसीएस आइकन एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम इसको लेके आएंगे, ये है एक्सिस, ये अगर गायब हो जाए तो पहले मुझे गायब करना है, तो UCSICON एंटर प्रेस किया मैंने, और यहां पे देखिए इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो गया, सिंपल। और फिर से अगर आपको वापस लेके आना है तो आप समझ पा रहे हैं, फिर से उसी कमांड में जाना है और आपको ऑन कर देना है यहां से, तो ये ऑन हो गया, एकदम सिंपल सा है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियों पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको आपका दिमाग खा सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, ये ऐसी चीज है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ प्लान टॉप व्यू चेंजेस टू एनी अदर व्यू, ओके। देखिए ये है टॉप व्यू,
दिख रहा है, आप अक्सर इसमें काम करते हैं, 2D काम कर रहे हैं तो इसमें काम करते हैं, टॉप व्यू है। लेकिन गलती से ऐसा कभी हो गया, ये सिनेरियो चेंज हो गया है, टॉप व्यू से कुछ और आ गया, तो क्या करना है? तो देखिए यहां आंसर क्या लिखा है, यूज प्लान कमांड। प्लान एक कमांड है, उसको हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ये देखिए, अब पहले मुझे इसे बिगाड़ना पड़ेगा, तो मैं शिफ्ट के साथ दबा के इसको बिगाड़ देता हूं। ये 3D पोजीशन में ला दिया मैंने। सपोज बहुत सारे तरीके इसको ठीक करने के, ओके? तो जो कमांड के थ्रू मैं क्यों बताना चाह रहा हूं अक्सर आपको, क्योंकि ये सब सिनेरियोस जो होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं, वर्जन टू वर्जन चेंज होते हैं, लेकिन कमांड के थ्रू याद रखने में प्रॉफिट है, वो नहीं बदलेंगे। तो प्लान PLAN एंटर प्रेस करना है आपको, एक और आपको एक और एंटर प्रेस करना है, ये करंट जो लिखा है ना इसको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए पूरा टॉप व्यू में आ गया, तो बिल्कुल आपको इसको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कस्टमाइज योर टूल्स पैनल बार। ठीक है, ये जो दिख रहा है टूल पैनल, ये इसमें टूल्स को और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, हमें अच्छे वे में काम करना है, हमें फास्ट काम करना है मान लीजिए, और हमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की जरूरत है, ये सामने में रहे जो दिखे हमको फटाफट काम करने के लिए, तो उसको कैसे कर पाए? तो आपको यहाँ पे सहारा लेना है मेन्यू बार का। देखिए मेन्यू बार का सहारा लेंगे और उसमें जाएंगे टूल्स में, फिर टूल बार, फिर ऑटो कैड, और जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है उसको हम लेके आएंगे। ये देखिए, ये है टूल्स मेन्यू बार, यहाँ पे गया, यहाँ पे टूल बार में जाना है, ये है ऑटो कैड, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मौजूद है, जो पैनल्स मौजूद है। अब इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने उठाया यहाँ पे लेयर, ये देखिए लेयर को क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये लेयर आ गया, ओके? अब इसको ना सेट करना पड़ता है, ये सेट कैसे होगा इसको भी समझना पड़ेगा आप सभी को। ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, कर्सर को यहाँ पे लाना है और इसको ना प्रेस करके रखना है और खींचना है। जैसे आप खींचेंगे तो ये अपना जगह चेंज करेगा, और आप चाहे तो इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपको जहां रिक्वायर्ड है। ये देखिए ऐसा, ओके? उसी प्रकार से इन केस कभी गलती से क्या हो जाता है कि ये जैसे मॉडिफाई पैनल हो गया, ये पैनल हो गया, ये ना डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने जगह से। तो मान लीजिए ये ऐसा कुछ बाहर निकल गया, ये देखिए ये गलती हो गई, बाहर निकल गया, तो आपको क्या करना है, ये कोने से आपको यहीं से उसको पकड़ना है, यहां से ड्रैग करते हो ऊपर, बस जाके इसके पॉइंट पे क्लिक कर देना है, तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है, उसका सॉल्यूशन मैंने अभी बताया आप सभी। अब नेक्स्ट जो डाउट्स ले रहा हूं मैं, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमांड्स। ठीक है, तो सबसे पहला है, व्हाट टू डू इफ कर्व शेप्स लूजेस इज स्मूथनेस। देखिए ये ना एक सर्कल है, आप यहां से समझ पा रहे कि एक सर्कल था पहले, नहीं पता इसका शेप अपने आप बदल गया, तो इट इज ए सर्कल बट इट्स लॉस्ट इज स्मूथनेस। तो इसको आपको समझना है पहले कि क्या होता है कि हम बार बार जब जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट जब करते हैं ना, तो उसका शेप बदल जाता है, और अगर शेप बदल गया तो वो हमको ना कुछ और ही नजर आ रहा है यहाँ पे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि पॉलीगॉन है कि सर्कल है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका है सिंपली यूज रीजन, REGEN उसका शॉर्टकट है, RE, इस कमांड को यूज करेंगे और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, यू कैन ऑल्सो यूज विवरर्स कमांड को यूज किए, और बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। पहले मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, ये देखिए मैंने सर्कल बनाया, ये ऐसा कुछ सर्कल बनाया, और इसको थोड़ा बिगाड़ रहा हूँ, जूम एंटर करके मैं स्केल्स में जाके इसके स्केल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाला हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा किया, फिर अचानक से इसको जूम कर दिया और मैं इसका शेप बिगाड़ रहा हूँ। ये देखिए अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से सर्कल अपनी स्मूथनेस खो चुका है। तो अब मैं कमांड यूज करने जा रहा हूँ RE, जैसे एंटर करेंगे आप, ये देखिए पूरा सर्कल फिर से हो गया, रीजनरेट कर दिया इसको, ओके? रीजनरेटिंग मॉडल बोलेंगे हम इसको। और उसी प्रकार से विवरर्स, तो VIEWRES विवरर्स एंटर करेंगे और बोलेगा डू यू वॉन्ट टू फास्ट जूम, आपको करना है यस, और बोलेगा एंटर सर्कल जूम परसेंट, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लेना है जो कि 1 से 20,000 लिख रहा है, तो 20,000 में आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपको ये इस कमांड के थ्रू ये समझ नहीं आया, अदरवाइज ये हो चुका है, ओके? तो दो ऑप्शन आपके पास, दोनों यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको कमांड को याद रखना है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं,
कि व्हाट टू डू इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन योर स्क्रीन। देखिए ऐसा आता है, ये पूरी ड्रॉइंग्स दिख रही है, लेकिन क्या होता है कि एक लंबे समय से काम कर रहे, अचानक से ये पूरे कलर्स कहाँ से आ जाएंगे, कलरफुल लाइंस आ जाएंगे, और वो स्क्रीन में ना पूरे पूरे स्क्रीन में कवर करते हैं और आपको काम करने नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है और पेशेंस खो देते हैं फिर हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली यूज ग्राफिक्स कॉन्फिग कमांड एंड फॉलो स्टेप्स। आपको क्या करना है, एक कमांड यूज करना है जिसका नाम है ग्राफिक्स कॉन्फिग, मतलब कॉन्फिगरेशन, उसको यूज करते हुए हमको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एग्जैक्टली, ये सिनेरियो लाने के लिए बहुत, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो आप ला सकते हो, बहुत कंडीशन अप्लाई होती है इसमें, इसलिए मैं आपको स्क्रीन में नहीं दिखा सकता ये चीज। अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको याद रखना है कि आपको ग्राफिक्स कॉन्फिग कमांड का यूज करना है, फिर यह डायलॉग बॉक्स शो करेगा, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, और उसमें आपको चेक करना है स्मूथ लाइन डिस्प्ले। ये देखिए इसको चेक कर दिया आपने, ओके प्रेस किया, बस एज इट इज, फिर सब चीज पहले जैसा हो जाएगा, ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये सारे जो डाउट्स फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं डाउट सेशन में, उसको मैं आज क्लियर कर रहा हूं। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले और भी नंबर ऑफ डाउट्स के बारे में जो कमांड्स में आते हैं, इसी प्रकार से और भी डाउट्स मैं क्लियर करूंगा रिलेटेड टू ऑटोकैड, रिलेटेड टू ऑल द वर्किंग ड्राइंग्स, ऑल द सबमिशन ड्राइंग्स, ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइंग्स, सभी टाइप से ड्राइंग्स के जो भी डाउट्स आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने कि ये थे छोटे मोटे डाउट्स जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो डाउट सेशन में मुझसे पूछे जाते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैंने आप सभी को दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और भी ऐसे डाउट्स जो रिलेटेड होंगे कमांड से रिलेटेड, वर्किंग ड्राइंग से रिलेटेड, सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड। ये सारे एक एक सिंगल सिंगल डाउट्स पे हम फोकस करेंगे और पूरा परफेक्ट वे में ऑटोकैड को आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।